नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज का रेसिपी मैं बनाऊंगी मटर का सब्जी। ये देखिए दोस्तों, हमने मटर को भिगो दिया था तो बहुत अच्छे से फूल गया है मटर। ये देखिए दोस्तों, हमने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था मटर। तो दोस्तों हमने भिगोते समय इसमें खाने वाला मीठा सोडा डाला हुआ है, इससे बहुत अच्छा मटर फूल जाता है। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी सब्जी, इसका आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं, देख लीजिए। हमने मिर्ची लिया हुआ है लाल, और लहसुन का कली, जीरा, हमें इसे पीसना है। तो इस प्रकार से हमने मसाला लिया हुआ है, देख लीजिए। हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये नमक, ये धनिया पाउडर, ये हमने गरम मसाले लिए हैं, छोले मसाले। तो तड़का लगाने के लिए हमने 2-3 मिर्ची लिया हुआ है लाल सूखा, और यहाँ मेथी सूखा हमने लिया हुआ है। तो दोस्तों हमने मिक्सिंग जार लिया हुआ है, मटर को हमें पीस लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने मटर को पीस लिया है बहुत अच्छे से। हमने थोड़ा सा दरबरा पीसा हुआ है, तो मैं इस तरीके से हमें प्लेट में निकाल लेने हैं। तो दाल हमने पीस कर रेडी कर लिया है, अब इसमें मसाले ऐड कर ले रही हूँ। ये हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, लहसुन, मर्चा, जीरा का जो हमने टेस्ट बनाया हुआ है तो 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ और ग्रेवी में डालूँगी। तो अभी सभी मसालों को मिला देना है, जो पीसा हुआ मटर है। ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे तरीके से मसाला को मिक्स कर दिया है। तो अब इसे फ्राई करना है छोटे छोटे पकौड़े बना के। तो हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया है, इसमें तेल डाला हुआ है। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे पकौड़ी बनाना, अभी तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो छोटे छोटे पकौड़े बना ले रही हूँ। तो दोस्तों हमने तेल में पकौड़े को डाल ली हूँ, तो मैं इसे पलट दे रही हूँ और एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन पका लेना है। तो पकौड़ी बनके तैयार है, तेल हमारा गर्म है तो मैं इसमें तड़का लगा ले रही हूँ मिर्ची और मेथी। मेथी जो दोस्तों हमने पकौड़ी फ्राई किया हुआ था, तेल हमने निकाल दिया है। तो मटर का जो थोड़ा सा हमने पचाया हुआ था इसे डाल दे रही हूँ। ये पीसा हुआ मसाला में जीरा और मिर्ची लहसुन को डाल दे रही हूँ। एक गरम मसाला, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, सभी मसालों को 2-3 मिनट के लिए पका लेना है तेल में। सभी मसाले पक चुके हैं तो मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। ये स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। एक उबाल आने तक ढक के पका लेना है। थाली हटा के मैं चेक कर ले रही हूँ। देखिए दोस्तों, ग्रेवी में उबाल आ गया है तो मैं पकौड़ी को डाल दे रही हूँ पकने के लिए। 1 मिनट ढक के पकाना है। तो दोस्तों मैं चला दे रही हूँ। दोस्तों अगर घर पे कोई सब्जी ना हो तो इस तरीके से मटर का सब्जी आप घर पर बना सकते हैं। सब्जी हमारी पक चुकी है तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। तो दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार है, आप इसे चावल रोटी के साथ में खा सकते हैं। तो मैं भी रोटी और चावल बनाऊंगी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो दोस्तों आपसे वेरी वेरी सॉरी कि मैं वीडियो बना रही थी तो लाइट कट गया, तो थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।